मेरा आज डिस्कशन है जी रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन फेजेस इन डीएचए स्पेशली फेज 9 प्रिज्म। अगर आप मेरे से पूछें तो देखें एफ लॉ की जो अभी करंट सिनेरियो करंट पोजीशन लग रही है इट इज दी बेस्ट सिचुएशन इन होल फेज 9 प्रिज्म। द रीजन इज कि यहाँ किसी किस्म का एक सिंगल ब्लॉड का लिटिगेशन इस टाइम अवेलेबल नहीं है। इतना खूबसूरत बिल्ट ये फेज है, इतना खूबसूरत बिल्ट ये ब्लॉक है। इसकी डायरेक्ट अप्रोच जो है वो आप देखें रिंग रोड से आप जैसे ही उतरते हैं गेट से एंटर होंगे ऑन योर लेफ्ट इट इज एफ ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम, अजहर फ्रॉम मिलिट्री स्टेट। मेरा आज डिस्कशन है जी रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन फेजेस इन डीएचए स्पेशली फेज 9 प्रिज्म। देखिए अक्सर हम सोचते हैं आप सब लोग जो जिनके लिए जो लाहौर में नहीं है लाहौर से बाहर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं कि उनको खबर मिलती है कि जी फेज 9 में पोजेशन आ गया फलाने सेक्टर में पोजेशन आ गया, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता या ऑन ग्राउंड सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता कि पोजेशन डीएचए ने दिया है तो क्या वाकई ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है कि वहाँ घर बनाया जा सकता है या वहाँ आपके प्लॉट्स का क्या सूरत हाल है, लैंड की क्या सिचुएशन है कि वो एक मीन्स लेवल लैंड है डीप प्लॉट्स हैं या क्या मीन्स ओवरऑल वहाँ जो है सर्कमस्टेंसेस वो क्या हैं। तो देखिए इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने ये एक नया आपके साथ आप कह सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि जो भी फेज़ या जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक डीएचए पोजीशन के लिए ओपन करने जा रहे हैं मैं उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज हमने सबसे पहले फेज़ 9 प्रिज्म का सेक्टर एफ जो है उसका पोजीशन डीएचए ने अभी वेरी रिसेंटली अनाउंस किया है तो उसकी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस हैं प्लॉट के जो लेवल्स हैं स्ट्रीट्स की जो सूरत हाल है जो मेन रोड की सूरत हाल है पार्क्स मेन चौक हैं इनके राउंड अबाउट्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे से पूछें तो देखें मुझे जो एफ ब्लॉक बेसिकली एफ ब्लॉक की जो अभी करंट सिनेरियो करंट पोजीशन लग रही है इट इज़ दी बेस्ट सिचुएशन इन होल फेज 9 प्रिज्म। देखें द रीज़न इज़ कि यहाँ किसी किस्म का एक सिंगल ब्लॉट का लिटिगेशन इस टाइम अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा वहाँ है दरबार ज़रूर है लेकिन देखें इट इज़ एवर लास्टिंग इसने वहीं रहना है इसलिए वो पर्टिकुलर एरिया जो है डी एच ए ने उसको स्पेसिफाई कर दिया है बल्कि उसको साथ ही कमर्शियल एरिया जो है जो कमर्शियल सेक्टर शॉप्स हैं एफ की सेक्टर एफ की वो वहाँ अलॉट कर दी गई हैं ताकि उसको आप उस कमर्शियल के साथ मर्ज कर सकें। इसके अलावा फेज़ 9 प्रिज्म में आप ये वीडियो भी देख लीजिए कतन कोई एक सिंगल पार्ट पे भी कोई जो है लिटिगेशन नहीं है और इतने खूबसूरत ये तरीके से बिल्ट अप है कि आप मेन रोड से ऑलमोस्ट हर 10 सेकंड की अगर आप मेन जो मेन बुलेवार्ड है उस पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ से आपको एक अप्रोच मिल जाएगी जो डायरेक्टली फेज जो सेक्टर एफ है उसके किसी ना किसी स्ट्रीट को एक्सेस कर रही है। तो देखें इतना खूबसूरत बिल्ट ये फेज़ है इतना खूबसूरत बिल्ट ये ब्लॉक है इसकी डायरेक्ट अप्रोच जो है वो आप देखें रिंग रोड से आप जैसे ही उतरते हैं गेट से एंटर होंगे ऑन योर लेफ्ट इट इज़ एफ ब्लॉक। बैक साइड से भी ये फुली कवर्ड है। आमतौर पर ये इश्यूज होते हैं कि ये बाउंड्री है पीछे से जो है वो कोई प्राइवेट लैंड्स है या जो प्राइवेट हाउसेज हैं वहाँ से कुछ थेफ्ट के जो है वो या स्नैचिंग वगैरह के लिए लोग जो आ सकते हैं तो देखें इसके बैकग्राउंड पर ऐसा भी नहीं है। इसकी बैक साइड पर आशियाना हाउसिंग है जो फुली डेवलप्ड है फुली लोडेड है और फुली हैंडेड ओवर है लोग वहाँ रह रहे हैं बाउंड्री वॉल्ड है वो भी उससे अगर आगे भी आ जाएं तो इसकी बैक साइड पे भी कोई इस किस्म का पॉपुलेटेड विलेज या इस किस्म का कोई पॉपुलेटेड एरिया नहीं है जहाँ से हम ये मींस हमारे जहन में ये बात है या हम ये सोच रहे हों कि शायद वहाँ से उसकी बाउंड्री वॉल की वजह से आपको कोई नेगेटिव पॉइंट हो बिल्कुल नहीं है। तो सेक्टर एफ आप इसको एक ओवरव्यू ले लें फर्दर अगर देखें आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई सेक्टर एफ में प्लॉट है तो पर्टिकुलर प्लॉट भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप अपने घर बैठे उस अपने प्लॉट की एक्चुअल पोजीशन या फैक्चुअल जो कंडीशन है वो आपके साथ शेयर की जाए और आप देख सकें। मैं आने वाली वीडियोज़ में जो दूसरे सेक्टर्स हैं जी सेक्टर हो गया या और जो सेक्टर्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपकी अगर कोई रिक्वायर्ड चीज़ है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज़ की भी वीडियो आपके साथ बना के शेयर की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कीप अस वॉचिंग कीप अस फॉलोइंग। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट जो है वो आपके लिए लेके आए इन फ्यूचर एपिसोड्स। थैंक यू वेरी मच।